हेलो दोस्तों, सैमसंग में लगे हुए लॉक स्क्रीन पासवर्ड को कैसे अनलॉक किया जाता है? क्या आपका भी सैमसंग का फोन लॉक हो गया है? आपसे गलती से आप अपने फोन का पासवर्ड पिन पैटर्न लॉक भूल जाते हो और आपका फोन आपसे ही अनलॉक नहीं हो पाता है, और हमारे फोन में लगे हुए लॉक को लॉक स्क्रीन भी हमारे फोन में फिंगरप्रिंट फेस लॉक भी यूज नहीं हो पाता अगर मेरा फोन लॉक हो जाता है तो फ्रेंड, अगर ये बहुत ज्यादा बंदे के साथ ये ऐसा हो रहा है कि सैमसंग का लॉक अचानक भूल जाते हो तो फिंगरप्रिंट फेस लॉक भी हमारा यूज नहीं हो पाता है, ऐसा क्यों होता है? तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताता हूं। अगर आपका वीडियो ये लास्ट तक देखिएगा तो आपका डाटा भी डिलीट नहीं होगा और आपका फोन लॉक होगा। सैमसंग का कोई भी मॉडल वो भी घर बैठे ही अनलॉक कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, बिना डाटा डिलीट किए और बिना पैसा वेस्ट किए। तो आइए फिर मैं बिना देर किए पहले वीडियो को स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, कैसे हम अपने सैमसंग में लगे हुए लॉक स्क्रीन पासवर्ड पिन पैटर्न को अनलॉक करते हैं आपको बताता हूं। पहले अपने सैमसंग में लगे हुए लॉक स्क्रीन पासवर्ड को देखने के बाद एक बार अपने फोन को रीस्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। रीस्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना है, एयरप्लेन मोड को ओपन करना है अपने मोबाइल का, ठीक है ना। तो एयरप्लेन मोड को ओपन करने के बाद अगर आपका एयरप्लेन मोड ओपन नहीं होता है तो आप अपने फोन में से सिम कार्ड को भी निकाल लेना। इसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रीन लॉक पे आना है और यहाँ पे देख रहे हो पासवर्ड पिन पैटर्न लॉक मांगा जा रहा है। आपको इमरजेंसी कॉल को ओपन करना और यहाँ पे एक कोड डायल करना है, सर्विस सेंटर का स्टार है 08521 9658740 है। ये कोड को आप लोग अपने फोन में ध्यानपूर्वक से अपने फोन में नोट कर लीजिएगा, कोई भी अंक हमारा छूटना नहीं चाहिए। अगर आपका एक भी कोड छूट जाता है तो आपका कोई भी काम नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये कोड को एक बार याद से मिला लीजिएगा। इसके बाद इसे हमें एक्टिवेट करना है सर्विस सेंटर से। आप यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें एक छोटा सा ऑप्शन दिखेगा कॉल वाला, ठीक ना, आपको दिख रहा होगा कॉल का ऑप्शन। कॉल पे क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन आएगा, आपको यहाँ पे ओके करना है और इस कोड को इरेज करना है। इतना काम करने के बाद आपको यहाँ पे फिर मास्टर अनलॉकिंग कोड यूज करना है, *899#। ये कोड को डायल करने के बाद आप आइएगा इंजीनियर मोड के फाइल पे और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद आपके सामने मैनुअल टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करना है और सेकेंड नंबर डिवाइस पे आने के बाद यहाँ पे जायस्कोप को ओपन करके डाटा डिस्प्ले को ओपन कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका जितना डाटा होगा सारा का सारा रिकवर हो जाएगा और आपका फोन भी अनलॉक हो जाएगा बिल्कुल फ्री में और बिना डाटा डिलीट किए। और ये रिकवर जो चल रहा है ये हमारा 30 लाइन तक कंप्लीट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 30 लाइन तक हमें यहाँ पे वेट करना है, 30 लाइन हमारा कंप्लीट हो जाए तो इसे बैक कर लेना है। फिर जायरोस्कोप नाटेल पर देखिएगा, सबसे लास्ट वाला पे क्लिक करके यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन आएगा, स्टार्ट क्लिक कीजिएगा, सेंटेन चेंज होगा, होम बटन को क्लिक कर देना है और आपका सैमसंग का हैंडसेट वो अनलॉक हो जाएगा बिल्कुल फ्री बिना डाटा डिलीट किए। आई होप ये वीडियो, अगर आपका वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच।